हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मंगलसूत्र। जैसे कि देखिए, मैं पहनी हूँ यही वाला मंगलसूत्र, आज हम लोग सीखेंगे। और ये आप साड़ी या ड्रेस के साथ पहन सकते हैं, बहुत इजीली घर पे भी बना सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए आपको मेरा वीडियो पूरा देखना होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर मेरे चैनल में आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके जाइए, ताकि मेरा वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए जल्दी से सीख लेते हैं मंगलसूत्र। ये है 11x0 सीड बीड्स, 10x0 सीड बीड्स, नीडल, थ्रेड एंड जंप रिंग। पहले हम लोग 8 ब्लैक सीड बीड्स लेंगे और उसको लेके एक लूप बनाएंगे और उसको हम लोग जंप रिंग के अंदर डाल के एक नॉट लगाएंगे तो एक लूप बन जाएगा। अच्छे से नॉट लगाने के बाद सारे बीड्स के अंदर में फिर से नीडल डालेंगे। ये आप 2-3 टाइम्स कर सकते हैं सिक्योर करने के लिए। उसके बाद हम लोग बीडिंग स्टार्ट करेंगे और बीडिंग के लिए हम लोग को 3 बीड लेना होगा। 3 बीड से हम लोग एक चेन बनाएंगे और 3 बीड नीचे की तरफ, 3 बीड से 3 बीड के अंदर नीडल को डालेंगे तो ये एक चेन बनेगा 3-3 बीड्स का। फिर से ऊपर नीडल को 3 बीड के अंदर डालना है। और यहाँ पर जो थ्रेड मैं यूज कर रही हूँ ये मशीन थ्रेड है। अगर आप मशीन थ्रेड यूज करें तो बीज बॉक्स रब कर लीजिए तो वो सिक्योर हो जाएगा। वैसे ही 3-3 बीड्स का हम लोग को कंटिन्यू करना है और नीचे की 3 बीड्स के अंदर डाल के फिर ऊपर की तरफ नीडल लेने के लिए ऊपर का 3 बीड में डालना है। देखिए एक लैडर टाइप का डिज़ाइन हो जाएगा। और इस टाइप का हम लोग को 9 लाइन्स बनाना है। और ये डिपेंड करता है, आप अगर ज़्यादा नज़दीक में डिज़ाइन डालना चाहते हो तो कम रोज में भी डिज़ाइन कर सकते हो। जितना आप गैप देना चाहते हो उतना आप गैप में डाल सकते हो। तो ये 9 लाइंस मेरा बन गया है। ये 3 गोल बीड्स लेंगे आप, इसमें 11x0 का गोल बीड्स भी ले सकते हो। और ये मेरे पास 10x0 का है तो मैं ले रही हूँ 10x0। देखिए अंदर जब डाल देंगे, नीचे की तरफ थर्ड रो में अंदर डालना है, फिर ऊपर की तरफ थर्ड रो में, ऊपर के टॉप रो में डालना है। तो देखिए 3-3 बीड का ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा। फिर से हम लोग को लाइन बनाना है, 9 रोज 3-3 बीड्स का, जैसे पहले हम लोग बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। ये डिज़ाइन बहुत ईजी है, वीडियो को स्किप किए बिना देखिए तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे ही रिपीट करना है फिर से 9 टाइम्स। नाइन रोज बनने के बाद फिर से हम लोग गोल्ड सीड बीड्स लेंगे और डिज़ाइन बनाएंगे और नीचे की तरफ थर्ड रो में, ऊपर से थर्ड में हम लोग डालेंगे। फिर 3 बीड्स लेके
ऊपर की तरफ थर्ड में ऊपर कट टॉप रो में डालेंगे। और इसी को कंटिन्यू करके चेन बनाना है। जितना लेंथ हम लोग को चाहिए, जितना लंबा या छोटा जैसे बनाना चाहते हैं उसी टाइप का उतना ही लेंथ तक हम लोग को करना है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए और अपना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगे तो ऐसे रिपीट करके मैं अपना जितना लंबा चाहिए उतना लंबा बना चुकी हूँ। अभी इसको एंड करना है और एंड में मैं एक लूप डालूँगी 8 बीड्स का, जहाँ पर हम लोग को पेंडेंट या लॉकेट अटैच करना है। देखिए 8 बीड्स लेके फिर से वो रो में जब हम लोग डाल देंगे अपोजिट साइड से वो लूप बन जाएगा। और फिर से सारे बीड्स के अंदर में डिटेल डालेंगे उसको थोड़ा सिक्योर करने के लिए, देन नॉट टाई करके हम लोग को थ्रेड कट करना है। ये मेरे सोशल मीडिया का लिंक है, आप चाहे तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है। नॉट लगाने के बाद हम लोग को थ्रेड को हमेशा बीड्स के अंदर में डाल के काटना चाहिए ताकि नॉट के तुरंत बाद हम लोग अगर काटेंगे तो नॉट खुलने का चांसेस रहता है, तो इसीलिए हमेशा दूसरे बीड्स के अंदर डाल के थ्रेड को फिर काटा जाता है। और इसी टाइप का और एक चेन में बनाई हूँ, दोनों साइड के लिए 2 चेन। उसके बाद इसमें ऐसे सिंपल सा एक स्क्वायर पेंडेंट में डालूँगी और लूप के अंदर में ऐसे डाला जाता है। Now it's ready to wear. Thank you friends for watching my video. Have a good day. Bye-bye.